अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सैफ और मेरा एडमिशन DTU में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ब्रांच में हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पढ़ाने का, फिर मेरे पेरेंट्स का, फिर मेरे टीचर्स का, फिर इंस्टीट्यूट का। मेरी रैंक GMains में 23.5 की थी इस बार, और मैंने इस बार दोबारा से GMains दिया था। पिछले साल मैंने दिया था, मेरा जामिया में एडमिशन हुआ था, मैंने पार्शल ड्रॉप किया और फिर मैंने दोबारा दिया। मैं चाहता था मुझे कंप्यूटर साइंस मिले, इससे मैंने दोबारा दिया था, तो मेरे DTU में मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ गया। इसके लिए अगर आपको सक्सेस पाना है, इस सक्सेस के लिए मैं सबसे पहले तो अपने फ्रेंड्स को भी एक तरह से मानता हूँ, क्योंकि वो अच्छे कॉम्पिटिटर थे। मैं सैफ इंस्टीट्यूट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने सैफ ज्वाइन किया था 2017 में। उसके बाद मैंने 2019 में जामिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मुझे दिलचस्पी थी, तो मैंने फिर दोबारा दिया। तो उसके लिए ज़रूरी होता है सक्सेस पाने के लिए कि आप फोकस रखें अपने टारगेट पे। मैं सभी बच्चों को सलाह देना चाहता हूँ कि आपको जो भी चाहिए, जिस भी ब्रांच में जाना है, जो भी आपका टारगेट है, उस पर फुली फोकस कीजिए, क्योंकि फोकस का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल नेचर में है हमारे पास, कि जब आप एक कन्वर्जिंग मिरर लेते हैं और उसके सामने उसको उस पर सन की रेस फोकस कराते हैं, उसे पेपर पे रखते हैं, तो वो जला देता है पेपर को। क्यों? क्योंकि वो सूरज की रेस को फोकस कर लेता है। लेकिन अगर आप डाइवर्जिंग मिरर को रखें तो वो नहीं जला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेस को बिखेर देता है। तो जब सूरज की रे एक इनविजिबल सी चीज इकट्ठे होगी, कन्वर्ज उसके पेपर को जला सकती है, किसी चीज को जला सकती है, तो हमारा हौसला, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, जो हमारी मेहनत है, अगर हम फोकस करें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं जिंदगी में। और मैं मानता हूँ उस चीज के लिए शहर एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ के टीचर जो हैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, खास कर तौर पर अनीस सर, वो पढ़ाते भी हैं साथ साथ में मोटिवेशनल बातें भी बताते हैं। आपको अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, खुद मेहनत करनी होगी, अच्छे लोगों से साथ कॉन्टेक्ट में रहना होगा, अच्छे सोहबत में रहना होगा, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरी यही सलाह है बच्चों को कि फोकस रहें, टारगेट पे ध्यान दें, भटके ना मंजिल से उधर उधर, हार्ड वर्क करें, और ज़रूरत पड़ने पे सलाह लें दूसरों से जो उनसे ज़्यादा काबिल हों, टीचर्स से, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू।